हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईवीएस में एनुअल पोर्शन पढ़ाएंगे। एनुअल पोर्शन में आपके ईवीएस में चार लेसन आएंगे, जिसमें आपका लेसन 17 है, लेसन 17 है और आपका लेसन 19 है, 20 है और लेसन 21 है। ये चार लेसन आपके एनुअल पोर्शन में आएंगे। तो आज हम आपको लेसन 17 रीड करवाएंगे। देखिए, लेसन 17 है आपका आवर फेस्टिवल्स। आवर फेस्टिवल्स मीन्स हमारे त्यौहार। त्यौहार सबको घरों में आते हैं, सब मनाते हैं और त्यौहार मनाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। फेस्टिवल्स आर ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार आर है टाइम, समय ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, और सेलिब्रेशन और उत्सव मनाने का समय है। मतलब त्यौहार जो है वह खुशी और उत्सव मनाने का एक समय होता है। वी सेलिब्रेट, हम उत्सव मनाते हैं फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली। हम जो त्यौहार होते हैं वह अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वी वियर, हम पहनते हैं न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, एंड ग्रीट वन एनदर, और एक दूसरे के, ग्रीट मीन्स गले मिलना, और एक दूसरे के गले मिलते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। वी, हम एक्सचेंज आपस में बदलते हैं स्वीट्स, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स, उपहार। हम मिठाइयाँ और उपहार आपस में एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। वी, हम विजिट घूमते हैं आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के यहाँ, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के यहाँ। त्योहारों के दौरान हम त्योहारों में अपने मित्रों के यहाँ और रिश्तेदारों के यहाँ घूमते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा त्यौहार आता है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस पर लाइट्स होती हैं, रोशनी जलती है। ऑन दिस डे, इस दिन पर लॉर्ड रामा, भगवान राम, रिटर्न्ड, वापस आए थे टू अयोध्या, अयोध्या से, आफ्टर किलिंग रावण, आफ्टर बाद में किलिंग मारकर रावण को, रावण को मारकर भगवान राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे। ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, दिवाली की रात को, पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को विथ कैंडल्स, कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती, एंड दिया, दियो से अपने घर को सजाते हैं। गॉडेस लक्ष्मी, भगवान माता लक्ष्मी जी की, इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। से नो टू क्रैकर्स एज दे पल्यूट द एयर एंड कॉज हार्म टू आवर ईयर्स। से कहना चाहिए नो टू क्रैकर्स, हमें क्रैकर्स टू एयर, हमें क्रैकर्स पटाखों को इस हवा से, वायु में प्रदूषण फैलाने से और कानों को नुकसान पहुंचाने से हमें क्रैकर्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, पटाखे नहीं छुटाने चाहिए। फिर आता है आपका क्रिसमस। क्रिसमस, वैसे तो क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस जो है उसको हम प्रत्येक साल 25 दिसंबर को जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। पीपल गो टू चर्च टू प्रे, लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद बैलून्स। क्रिसमस का जो पेड़ होता है वह बैलून से, कलर्ड लाइट्स, रंग बिरंगी लाइट्स से, स्टार्स, तारों से और गिफ्ट से सजाया जाता है। फिर आता है आपका ईद। ईद जो है वह मोमेंटस का त्यौहार होता है, मुसलमानों का त्यौहार होता है। ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद का जो त्यौहार होता है वो व्रत के महीनों में, फास्ट के महीनों के आखिर में आता है। पीपल गो टू द मॉस्क्यू टू प्रे, लोग प्रार्थना करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। मॉस्क्यू मीन्स होता है मस्जिद, मस्जिद में जाते हैं।
आफ्टर द प्रेयर प्रार्थना करने के बाद दे विश देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ए हैप्पी ईद। तो उस प्रेयर करने के बाद वे विश एक दूसरे को बधाई देते हैं, अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को हैप्पी ईद, ईद मुबारक कहकर वे अपने रिश्तेदारों को बधाई देते हैं वाइल इम्प्रेसिंग देम, और जब वे एक दूसरे के गले लगते हैं। ए स्पेशल डिश एक मुख्य व्यंजन कॉल सेवई इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद, जो ईद होती है उस पर एक मुख्य डिश एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे हम सेवई कहते हैं। सेवई जो है वह तैयार की जाती है। फिर आते हैं आपका गुरुपर्व। गुरुपर्व जो है वह सिखों का त्यौहार होता है। द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज आज सेलिब्रेटेड एज गुरुपर्व। जो गुरुपर्व का त्यौहार है वह बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरु 10 सिखों के गुरुओं का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पीपल प्रे इन द गुरुद्वारा लोग जो है वह गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं एंड ऑर्गेनाइज लंगर्स और लंगर को आयोजन करते हैं। दे रीड फ्रॉम द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब वे धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं। पोंगल इज ए बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। पोंगल जो है वह दक्षिण इंडिया का दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। पीपल वर्शिप द गॉड्स ऑफ द सन लोग जो है वह भगवान सूरज की एंड रेन भगवान सूरज की और बारिश की पूजा करते हैं एंड आल्सो द काउ और गाय की पूजा भी करते हैं। वे वर्षा सन और गाय की पूजा इस दिन करते हैं। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वह केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल त्यौहार है, उपजाऊ त्यौहार है। ग्रैंड बोट रेसेस बड़ी बोट का आयोजन इस फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। देखिए पिक्चर में दिखा रखे कितनी बड़ी बोट है, इतनी बड़ी बोट का आयोजन जो है वो ओनम में इस त्यौहार पर किया जाता है। अब तक तो आपने रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़े थे, धार्मिक फेस्टिवल्स पढ़े थे जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग मनाते हैं, लेकिन अब हम राष्ट्रीय त्यौहार बनाएंगे पढ़ेंगे जिस जो हर कोई मनाता है, जिसे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना अपना कहकर नहीं मनाते, वे सबके लिए कंपलसरी होते हैं और वे सभी मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स राष्ट्रीय त्यौहार। वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स वी हम भी मनाते हैं राष्ट्रीय त्यौहार, हम राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे को हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे को यानी कि स्वतंत्रता दिवस को हम 15 अगस्त को मनाते हैं। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती को हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी का जन्मदिन है। द फादर ऑफ आवर नेशन जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, इन्हें इनके जन्मदिन को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब हम इसका बुकवर्क देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का कौन सा त्यौहार होता है, ईद होली दिवाली, तो दिवाली होता है तो हम दिवाली पर टिक करेंगे। सेवई ए स्पेशल डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन, सेवई जो है वो कब तैयार की जाती है, होली पर, दिवाली पर, ईद पर, ईद पर, तो हम ईद पर टिक करेंगे। द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज, द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरु 10 सिखों के गुरु के को हम किस त्यौहार के सिखों के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं, गुरुपर्व, पोंगल, ओनम, तो हम उसे गुरुपर्व के रूप में मनाते हैं। पोंगल इज ए बिग फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पोंगल जो है वो बहुत बड़ा त्यौहार है, कौन सी इंडिया का, ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का, साउथ का, साउथ इंडिया का पोंगल बहुत बड़ा त्यौहार है। व्हाट डू फेस्टिवल्स टीच अस, फेस्टिवल्स हमें क्या सिखाते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग करना, टुगेदरनेस, एक साथ रहना, या शेयरिंग एंड टुगेदरनेस, त्यौहार हमें शेयरिंग एंड टुगेदरनेस, एक साथ रहना और शेयर करना सिखाते हैं। अब आती है आपकी मैचिंग, मैचिंग करनी है। गांधी जयंती, गांधी जयंती आप कब मनाते हैं, बताया था आपको 2 अक्टूबर को। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। आते हैं फिलिप्स, आप फिलिप्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स।
डैश इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल त्योहारों का देश कौन सा है, त्योहारों की भूमि कौन सी है, इंडिया, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, ओनम उपजाऊ त्यौहार किसका है, ओनम कहाँ का त्यौहार है, केरला, के ई आर ए एल ए केरला। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। गॉडेस डैश इज वर्शिप्ड ऑन दिवाली, दिवाली पर किसकी पूजा की जाती है, दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, देखिए एल ए के एस एच एम आई लक्ष्मी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 17 का बुक वर्क था, आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।